प्लीज आप लोग साइट विजिट करें, साइट विजिट करने के बाद आप खुद देखें कि हमारा मोर देन 80% काम कंप्लीट हो चुका है और इस साल जो प्रदर्शन का वादा है इंशाल्लाह वो तो हो गई, साथ में ऑफर डिस्काउंट मिलेगा वो अलग से। और अगर देखना है देखना पड़ेगा इंशाल्लाह आप लोगों को, तो पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है हमारा, पिकअप एंड ड्रॉप ले, यहाँ पर है खाली सैंपल फ्लैट देखे बॉस, लिटरली मजा आ जाएगा। और मैंने फिर बताया था आपको स्टार्टिंग में, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये फ्लैट नहीं है, टाइटेनिक जहाज है, जहाज। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा की तरह कॉल करना, कॉल बिजी आए तो मैसेज करना। अल्लाह हाफिज। है पहली बात यह है कि इसको छुपाने की कोशिश क्यों हुई? अगर आप इतने ही ट्रांसपेरेंट थे तो आपने इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए ऐसा क्यों कहा? किसी को भी मालूमात देने से आपने सरकार की तरफ से इनकार क्यों किया? और SBI ने भी सब पैतरे अपनाए ताकि कुछ बताया न जाए। जब भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय चंद्रचूड़ साहब ने थोड़ा सा डांटा तब जाके वो मालूमात बाहर आई। अब जब मालूमात बाहर आई तो उसे क्या सामने आया? जाइडस कैडिला नाम की कंपनी ने रेमडेसिविर बनाया था कोविड के टाइम, उससे उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बंदी आ गई। उन्होंने कहा कि इससे लोगों का नुकसान हो रहा है, तो भी उनको परमिशन दी गई और वो भी गुजरात FDA की तरफ से दी गई। फिर पता चला कुछ राज्यों से कि उन्होंने जो इंजेक्शन्स बनाए हैं उसमें कहीं बैक्टीरिया और फंगस आया है, तो भी वो पहुँचाए गए जगह पर, हॉस्पिटल्स में दिए गए, उससे कई मौतें हुई। इतना जाइडस कैडिला के बारे में क्यों प्रेम था ये पता ही नहीं चलता था। अब पता चला कि जाइडस कैडिला ने उसी दरमियान 85 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स खरीद लिए थे। ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स था क्या? चंदा दो धंधा लो, ऐसा देश चलता है क्या? ये तो देश बेचने का काम हो गया। कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कोई चंदा देगा तो तुम क्या इधर उनको भी धंधे दोगे क्या? ये सवाल उठता ही नहीं। अगर इनकी चलती और न्याय व्यवस्था शांत हो जाती, ये तो न्याय व्यवस्था के भारत के सभी नागरिकों ने आभार मानना चाहिए कि ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। और 2019 में अगर ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड चलते तो शायद कई लाख करोड़ गुल हो जाते। जिस कंपनी का प्रॉफिट 2 रुपया नहीं, वो 400 करोड़ रुपया देते कहाँ से हैं? उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ही नहीं 400 करोड़, वो चेक कैसे आता है? आपने गॉगल लगा लिया है, इसका मतलब दुनिया अंधी नहीं होती है, दुनिया देखती रहती है, बात नहीं कर रही है क्योंकि दहशत में है। बात वो नहीं करेंगे, बात उनके वोट करेंगे, और वो भी अगर मैनेज नहीं किया तो अभी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में है। मैं तो सरकार से ये करता हूँ कि लगा लो ना 100% VVPAT हम गिन लेंगे। आप क्यों नहीं बोलते हो? और अगर अमेरिका में प्रेसिडेंट का चुनाव का गिनती, वोटों की गिनती 4 दिन चल सकती है तो भारत में 24 घंटे चली तो क्या उसमें ये है? आपको क्यों प्रॉब्लम है? इतनी क्या है कि 12 घंटे में ही सब हो जाना चाहिए खत्म? अरे 5 साल के बाद चुनाव आता है, मेरा वोट कहाँ गया? ये मुझे समझना चाहिए ना। मैं अनजान हो जाता हूँ, मैं बटन दबाया गया किधर कुछ समझ में नहीं आता है। और आए ना उदाहरण, आए ना भिंड की ये घूम रही है ना वीडियो, ये कलेक्टर ही सस्पेंड हो गया उसमें कि कोई भी बटन दबाओ तो कमल का फूल आता था। तो ऐसा क्यों होता है? अगर वो कैलकुलेटर जैसा मशीन है तो कैलकुलेटर में आप 100 100 100 100 दबाओगे तो 300 ही आएगा। ये ऐसा ये कैलकुलेटर में क्यों होता है कि 100 100 100 318?
अभी मशीन अगर गलती कर रही है, अगर वोट 1,00,000 गिरे हैं सब गिनती के बाद, और मशीन अगर बोलती है कि 1,027 वोट आए, तो ये 2,700 आए कहां से? एनी मैनमेड मशीन, मनुष्य का जिसको हाथ, जिसका जिस मशीन को हाथ लगता है वो मशीन मैनेज हो सकती है, और ये मैनेज हो रहा है क्योंकि वीवीपैट आने के बाद ही ये घोटाले शुरू हुई, शुरू में नहीं थे। ये वीवीपैट लाया ही गया इसलिए कि मैनेज हो सके। और 20% क्यों? अगर 100 मतदार है तो 100 मतदारों को वो चिट्ठी मिलनी चाहिए कि भाई मेरा वोट इधर गया है, तुम अनजान अंधेरे में क्यों रखना चाहते हो उसको? और ये कौन सा कारण है कि मतों की गिनती के लिए बहुत टाइम लगेगा? लगेगा तो लगेगा, देश के यानी 1% भी अगर शक आता है तो आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, ऐसा राम खुद भगवान श्री राम ने कहा था। अगर ये भगवान श्री राम के इतने बड़े भक्त हैं तो अगर 1% भी एक आदमी को भी शक है तो अग्नि परीक्षा सामने है, दे दो अग्नि परीक्षा। आप राम का नाम लेते हो ना, श्री राम को आप पूरे देश में चुनावों के लिए इस्तेमाल करते हो ना, तो आप श्री राम के भक्त हो और श्री राम के तरह ही चलोगे तो फिर ये अग्नि परीक्षा दे दो। आप में आप कितने सुदृढ़ हो, आपको लोगों का कितना चुनावी बल आपके पीछे है ये पता चलेगा। आपको सामने वाले का आवाज जिंदगी भर चुप करने की आपको मौका है, ये शक के दायरे में आप भी नहीं रहोगे और ना समझी में वो भी नहीं रहेंगे। ये मौका क्यों हाथ से गंवा रहा है?